मारुति की जोरदार टक्कर से एक व्यक्ति घायल व 27 वर्षीय वृद्ध की गई जान। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मारुति की जोरदार टक्कर से एक व्यक्ति घायल तथा 57 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। खबर जनपद बहराइच के थाना फकरपुर अंतर्गत निवासी लालपुर जलालपुर के मोहम्मद रशीद निवासी डिहवा कला थाना बौड़ी व ननकऊ पैदल पार्थों से मिलने जा रहे थे कि समय करीब 8 बजे सुबह अखनापुर ईंट भट्टा के पास पहुंचे तो वजीरगंज के तरफ से आ रही मारुति सुजुकी नंबर UP 32 FL 8999 गाड़ी चालक की लापरवाही से ननकऊ के पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसमें ननकऊ की गंभीर चोटें आई। ननकऊ को ठोकर मारने के बाद राम नारायण के ढोड़ी के ठोकर मार दी और घोड़ी के मौके पर ही मृत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने उपचार के लिए मोहम्मद रशीद और ननकऊ को जिला चिकित्सालय बहराइच में भर्ती कराया। उपचार के दौरान मोहम्मद रशीद 57 वर्ष की उसी दिन मृत हो गई। श्रीमान जी, जो आपके ग्राम पंचायत में एक युवक के एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? डीवा कला से सुबह 8 बजे निकले थे, जा रहे थे अपने लड़के से मिलने के लिए लालपुर जलालपुर। रास्ते में अनियंत्रित कार आई और पीछे से ठोकर मार के चली गई। इस संबंध में मृतक परिवार के जो गार्जियन है, उन्होंने प्रार्थना पत्र थाने में दिया, क्या कार्रवाई? थाने में तहरीर देने के बाद उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है जी। 279 है, 338 है, 304 बटे ये है, 427। मुबारक अली जी, क्या घटना घटी है जिसके वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हुई है? जी, आ रहे थे डिहवा कला से, आ रहे थे जी, वहाँ अखनापुर भट्टे के पास में पहुँचे जी। एक गाड़ी वाला आके मार दिया पास से ठोकर जी, उनके मृत हो गई। जलालपुर जा रहे थे मेरे घर जी। कल कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे। पिताजी किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं? डिहवा कला। थाना क्या पड़ता है वहाँ? बाउंडी। इस समस्या को लेकर आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने में? जी, थाने में दिया, फकरपुर थाने में दिया।